नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बिहारी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वह कौन सी बात थी कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो सका? हम आपको एक रहस्यमय बात बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो शादी भी करना चाहते हैं, और इस जगत में राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य और अलौकिक माना जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि श्री कृष्ण और राधा का एक दूसरे के प्रति अलौकिक और दिव्य प्रेम और समर्पण के बाद भी दोनों विवाह के बंधन में नहीं बंधे थे? क्या आपको यह पता है? अगर नहीं तो ये कहानी आपके लिए है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आखिर वो कौन सा रहस्य था, कौन सा कारण था, कौन सी बात थी कि राधा और कृष्ण दोनों विवाह नहीं हो सका। जब आप देखते हैं कि जैसे मंदिरों में राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी की मूर्तियां मंदिरों में देखने को मिलती हैं, उसी तरह सहज रूप से कृष्णा के साथ राधा की मूर्ति देखने को मिलती है, और दुनिया उन्हें उनके साथ देखकर उनकी पत्नी समझकर जी भर पूछती हैं और उनसे अपने वैवाहिक जीवन के लिए शुभता की कामना करती हैं और सपने देखती हैं कि काश मेरा भी अपने पति या पत्नी के साथ वैसा ही रिश्ता, वैसा ही प्रेम हो जैसा राधा कृष्ण में था। लेकिन वो दोनों पति पत्नी नहीं, प्रेमी प्रेमिका थे। लेकिन क्या आपको पता है, राधा बिना विवाह के ही रह गई थी। सच तो यह है कि राधा कृष्ण का प्रेम बिना विवाह के भी पति पत्नी से बहुत ज़्यादा बढ़कर था। या यूँ कहें कि जैसे प्रेम तो एक सच्चे साधक या भक्त का अपने भगवान के प्रति होता है और भगवान का अपने सच्चे भक्त के प्रति होता है, उस तरह का प्रेम था, या उससे भी कहीं बढ़कर राधा का अपने कृष्णा के प्रति और कृष्णा का अपने राधा के प्रति अलौकिक प्रेम। सदियों से ऋषि मुनियों, पुराणों, कवियों ने उन दोनों के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन स्तर का कहा है। जिस तरह श्री कृष्णा के जन्मदिन को हम सभी जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह क्या आपको पता है, राधा का जन्म ही राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। राधा का नाम श्री कृष्णा के साथ मिलकर इस जगत में अमर हो गया। आज भी श्री कृष्णा और राधा के धरती से वापस अपने लोक में जाने के बाद भी उनकी जन्मभूमि बरसाना और मथुरा वृंदावन में हरे कृष्णा राधे राधे कहने वाले आपको सहज ही मिल जाएंगे। सच भी है, अगर सच्चे मन से राधे कृष्ण का नाम लो तो लगता है मन में एक अद्भुत प्रेम, भक्ति और आनंद का संचार होता है और मन लंबे समय तक प्रफुल्लित बना रहता है। चलिए, तो अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो मेरे मन में हो रहा है कि आपको वो बात बता ही दूँ जो जानने के लिए आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण की इच्छा से ही इस धरती पर धरतीवासियों के कल्याण के लिए जन्म लिया था। जहाँ श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्णा पक्ष की अष्टमी को हुआ था, वहीं श्री राधा का जन्म भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अनुराधा नक्षत्र में राधा जी का जन्म हुआ था। जिस दिन को राधा अष्टमी के नाम से आज भी मनाया जाता है, कहते हैं जन्म ले लेने के बाद भी राधा ने पूरे 11 दिनों तक अपनी आंखें तक नहीं खोली थी। खोलती भी कैसे, उनको कृष्णा का जो इंतज़ार था। कहते हैं कि जब कृष्णा को उन्होंने अपने पास महसूस किया तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। बाद में तो श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर राधा कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी कि दुनिया वाले उन्हें माखन चोर भी प्रेम दीवानी कहने लगे। राधा की दुनिया श्री कृष्ण से शुरू होकर श्री कृष्ण पर ही ख़त्म होती थी। दोनों देखने में तो दो शरीर थे, लेकिन वस्तुतः दो शरीर होकर भी एक प्राण थे। वास्तविकता तो यह है कि दोनों दो थे ही नहीं, बस वो हम लोगों की नज़रों में दो थे। सदियों से उन दोनों के प्रेम को अलौकिक और दिव्य कहा जाता है। फिर उनका विवाह नहीं हो सका, बड़ा अजीब और दुखद लगता है। वैसे तो धर्मशास्त्रों में राधा कृष्ण के विवाह ना होने के अनेक कारण बताए गए हैं, लेकिन अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा को पढ़े तो इस प्रसंग पर बताया गया है कि राधा जो थी वो श्री कृष्ण भगवान के साथ एक अलग ही दिव्य लोक, जिसे गोलोक कहा जाता है, वहाँ रहती थी। कथा यह है कि एक बार राधा कहीं गई हुई थी और श्री कृष्ण उनकी अनुपस्थिति में अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान अचानक वहाँ राधा आ जाती हैं और विरजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर वह आग बबूला होकर वहाँ से चली जाती हैं। यह देखकर श्री कृष्ण के सेवक और सखा श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार पसंद नहीं आता और वे राधा को उल जुलूल बोलने लगते हैं। इस बात पर राधा गुस्से में आकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे देती है।
यह सुनकर श्री दामा भी राधा को मृत्यु लोक में यानी इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्णा से बिछोह का श्राप दे देते हैं। राधा को जब यह श्राप मिला था तो श्री कृष्णा उनको कहते हैं कि भले ही तुम्हारा जन्म मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर होगा, लेकिन तुम सदैव मेरी अंतरात्मा में वास करोगी और मेरे साथ ही रहोगी। यही कारण था कि राधा कृष्ण बचपन में ही एक दूसरे से दूर हो गए थे और उनका विवाह नहीं हो सका था। इसके मूल में वह श्राप काम कर रहा था। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको यह राधा कृष्ण की कहानी कैसी लगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।